आई एम ओपी सर, आई टीच यू रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्रेशन चैप्टर फर्स्ट इन प्रोज, ए गर्ल विद अ बास्केट। ओके, ये जो पैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। द प्लेटफॉर्म टू स्पोक इंग्लिश, अब हमें ये देखना है कि इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखना कैसे है, क्योंकि हमारा पहला जो क्वेश्चन पेपर में आता है, फर्स्ट पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है। ऊपर एक पैसेज दिया होगा और उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन लिखना है, तो उस पैसेज को पहले पढ़ना है, रिकॉग्नाइज करना है कि ये किस चैप्टर का है, इसके राइटर कौन है, उसके बाद फिर इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपके पेपर का। तो पहले हम इसका रेफरेंस लिखेंगे। तो रेफरेंस होता है संदर्भ, जैसे हिंदी में होता है ऐसे इंग्लिश में होता है संदर्भ। तो रेफरेंस लिखेंगे, तो लिखेंगे दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। हर रेफरेंस में जरूर नहीं यही हो, चाहे कोई सा चैप्टर का आपका पैसेज हो, जब हम उसका रेफरेंस लिखेंगे तो ये लाइन हर पैसेज की रेफरेंस में, ये लाइन रेफरेंस में हम जरूर लिखेंगे, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। प्रोज में यही लाइन हर एक रेफरेंस की लिखेंगे, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अब लेसन के बाद में जो चैप्टर्स नेम है उस चैप्टर का नेम लिखेंगे। इसका है आगम विद अ बास्केट, इसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे आगम विद अ बास्केट। फिर हम लिखेंगे रिटन बाय, प्रोज में हम रिटन बाय लिखते हैं, और जो पोएट्री होती है उसमें हम लिखते हैं कंपोज्ड बाय। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसमें हम लिखेंगे रिटन बाय, रिटन बाय। इसके हमारे जो राइटर हैं विलियम सी डगलस, तो हम विलियम सी डगलस लिखेंगे, और जो विलियम सी डगलस लिखेंगे ये भी हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। ये हमारा रेफरेंस हो गया। अब हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में होता है प्रसंग, प्रसंग होता है कॉन्टेक्स्ट क्या होता है आपका प्रसंग। अब हम प्रसंग में जो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, हम कॉन्टेक्स्ट का लिखेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट में जो पैसेज मार दिया उसमें से जो मेन टॉपिक है उस पैसेज के अकॉर्डिंग राइटर अपनी फीलिंग को क्या प्रेजेंट करना चाहता है, हम उस चीज को इस कॉन्टेक्स्ट में राइट करेंगे। जैसे ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, इसमें है द राइटर वाज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, द राइटर वाज ट्रैवलिंग, लेखक यात्रा कर रहा था बाय ट्रेन, मींस ट्रेन के द्वारा, टू बरेली, मींस बरेली, लेखक ट्रेन के द्वारा बरेली को यात्रा कर रहा था। द ट्रेन स्टॉपेड एट एवरी स्टेशन, ट्रेन स्टॉप रुकती थी एट एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर, ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। द राइटर वॉक ऑन प्लेटफॉर्म, द राइटर लेखक वॉक मींस घूमता था, ऑन प्लेटफॉर्म मींस प्लेटफॉर्म पर, एट एवरी स्टेशन प्रत्येक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, लेखक प्रत्येक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर घूमता था, एवरी प्लेटफॉर्म वॉज फुल ऑफ पीपल, एवरी प्लेटफॉर्म प्रत्येक प्लेटफॉर्म वॉज फुल भरे हुए थे ऑफ पीपल मींस लोगों से। ओके, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हम आपको एक्सप्रेशन बताएंगे इसका, तो हम एक्सप्रेशन बताएंगे एक्सप्लेनेशन खत्म कर। अब हमारा एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन होता है व्याख्या, एक्सप्लेन मींस व्याख्या। इन दिस पैसेज ये व्याख्या देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, हम एक्सप्लेनेशन को लेंगे। उसमें ये है, हमने लिखा है कि इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द राइटर सेज, राइटर लेखक कहता है, ये जो एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं, तो इन दिस पैसेज द राइटर सेज दैट, या इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब्स, ये हर हम एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, हर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, है ना। इससे हमारी एक लाइन बन जाती है, ठीक है। तो इस पैसेज में राइटर कहता है कि द प्लेटफॉर्म, अब हम उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा पैसेज में ऊपर दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन अपने अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे।
तो the platform of the station, the platform of the station, station के platform was full, भरे हुए थे of people means लोगों से, station के platform लोगों से भरे हुए। These people belong to different religions. These people, ये लोग belong संबंध रखते थे to different भिन्न भिन्न रिलीजन में धर्मों से, विभिन्न विभिन्न धर्मों से ये लोग संबंध रखते थे। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ वर मुस्लिम्स एंड हिंदू। सम ऑफ देम मींस उनमें से कुछ वर मींस थे मुस्लिम मींस मुस्लिम एंड हिंदू मींस हिंदू। उनमें से कुछ मुस्लिम और हिंदू थे। सम ऑफ देम उनमें से कुछ वर बेगर्स भिखारी थे एंड पोर्टर्स और कुली थे। उनमें से कुछ भिखारी और कुली भी थे। All the people on the platform, all the people, सभी लोग on the platform इस platform पर were means थे, बात को भी नंगे पैर। All the people, सभी लोग platform पर नंगे पैर। Almost अधिकतर all the people, सभी लोग were in loose white clothes. अधिकतर आला पीपल में सभी लोग वर्मीज थे इन लूज व्हाइट क्लॉथ। लूज मींस ढीले ढाले, व्हाइट मींस सफेद, क्लॉथ मींस कपड़ों, है ना। अधिकतर सभी लोग ढीले ढाले सफेद कपड़ों में थे। आफ्टर स्पीकिंग एट लीस्ट थ्री पीपल, कम से कम तीन लोगों के पूछने के बाद, लगभग तीन लोगों के पूछने के बाद या तीन लोगों से बोलने के बाद, लगभग तीन लोगों से बोलने के बाद, द राइटर कुड फाइंड, द राइटर मींस लेखक ने, कुड फाइंड मींस लेखक, कुड फाइंड मींस पा सका, वन मींस एक व्यक्ति को, हु कुड स्पीक, हु मींस जो, कुड स्पीक मींस बोल सकता था, इंग्लिश मींस इंग्लिश। लगभग कम से कम तीन लोगों से बोलने के बाद लेखक एक ऐसे व्यक्ति को पा सका जो अंग्रेजी बोल सकता। ओके, तो हमारा ये मैंने आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताया। इसी के अकॉर्डिंग आप ऑफिस के पैसेज होंगे, उसके अकॉर्डिंग और भी पैसेज कि आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन बनाए और बार बार आप लिखने एक्सरसाइज करें। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान है और ये एक मार्क के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन अपने आपके एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर का एक फर्स्ट क्वेश्चन होता है। और रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, बस इसमें मेन चीज होती है कि हम पैसेज को पहले पढ़कर एक रिकॉग्नाइज कर लें, पहचान लें कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। इसके बाद हमें रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में तो बस वो लिखना है, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, फिर जिस लेसन का पैसेज दिया हुआ उसी लेसन का नेम लिखना है, फिर रिटन बाय उस जो चैप्टर के, उस चैप्टर के जो राइटर, उस राइटर का नेम लिखना है। सब में बस दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, सब में ये सेम एक ही लाइन लिखना है, बस उसमें चेंज करना है। सपोज करिए दूसरे चैप्टर का अगर पैसेज आ गया तो करना है, ऑनली आपको चेंज करना है राइटर्स नेम और चैप्टर्स नेम और पूरी थ्योरी पैसे के पैसे में, क्लियर। फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट पैसेज के अकॉर्डिंग लिखेंगे, फिर ये एक्सप्रेस लिखा। ओके,